तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं मास डिफेक्ट, और सब मेंस के लिए सीख रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा मास डिफेक्ट। अब कुछ चीज़ें बता दूं, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने कहा था कि जो भी एनर्जी वो मास का ही फॉर्म है। जब मास किसी सिस्टम का थोड़ा कम होता है तो जितना मास कम होता है वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, अकॉर्डिंग टू एम सी स्क्वायर इक्वेशन। द सिमिलर एनर्जी जो है मास में भी कन्वर्ट होती है अकॉर्डिंग टू ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, ये सब अगर मान लीजिए शुरू में इन्फिनाइट डिस्टेंस में, एक दूसरे से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, जब न्यूक्लियस को बनना होगा, जब न्यूक्लियस बना होगा तो ये जितने भी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं, ये सारे इस न्यूक्लियस के अंदर आए होंगे, तभी तो न्यूक्लियस बना होगा। तो ये प्रोटॉन्स, इन प्रोटॉन, इस न्यूट्रॉन्स को इस न्यूक्लियस के पास बनने में, जब न्यूक्लियस बना होता है तो ये पास आते हैं, और ये पास आए होंगे और जाके यहाँ पे बाइंड हो गए होंगे। तो इनको यहाँ से यहाँ तक आने में किसी ने लेकर नहीं आया, कोई अपने हाथ से पकड़ के नहीं ला के यहाँ पे रख दिया, ये जिस प्रोसेस के थ्रू यहाँ तक आया हो और ये बना हो, इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है हम उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो मास का ही फॉर्म है, तो कुछ मास कम हो गया तो जो मास कम हुआ उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब इन्फिनिटी पे थे, जब ये एक दूसरे के पास आए और एक न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, तो इस प्रोसेस में जो मास कम हुआ वही तो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और जो मास कम हुआ हम उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, और करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पर मैं एक लाइन यूज़ कर सकता हूँ कि इस न्यूक्लियस के अंदर जितने न्यूक्लियंस हैं उनका मास अगर अलग से मैं कैलकुलेट करके सबको जोड़ दूँ तो न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास है उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास है वो तो इन सबके मास से कम आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मास क्या हुआ है, रिलीज हुआ है एनर्जी फॉर्म में इस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया जाता है कि जो न्यूक्लियस का मास है वो इनके जो न्यूक्लियंस हैं उनके मास से कम होता है, तो जितना मास का डिफर है उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करेंगे मास डिफेक्ट को, तो डेल्टा एम बराबर, मान लीजिए इसमें लिखा गया जेड एक्स ए, तो इसमें किस इस न्यूक्लियस जेड एक्स ए में कितने प्रोटॉन हैं, जेड, तो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, तो अगर ए मास नंबर है और जेड एटॉमिक नंबर है तो ए माइनस जेड क्या होगा, न्यूट्रॉन नंबर होगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या ए माइनस जेड हो गया और न्यूट्रॉन का मास मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतना जो मास है ये तो कैलकुलेटेड मास है इस न्यूक्लियस का, कैलकुलेटेड मास है, लेकिन ये जो मास आता है इस मास से इस न्यूक्लियस का एक्चुअल मास कम होता है, तो माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक्चुअल में ये कहलाता है मास डिफेक्ट। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं डेल्टा एम इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस ऑब्जर्व मास, ऑब्जर्व या एक्चुअल मास बोलते हैं, एक्चुअल मास ऑफ ऑफ न्यूक्लियस। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अगर कोई आपसे कहता है कि मास डिफेक्ट कितना है तो आपको याद रखना कैलकुलेट मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस ऑब्जर्व और एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, इसको आपको ध्यान रखना है, ओके। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी को कैसे लिखेंगे तो डेल्टा एम इज इक्वल टू ये क्या बन गया, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस का कैलकुलेट मास है, क्यों, क्योंकि कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है उनके मास से मल्टीप्लाई किया तो एक कैलकुलेट मास बनेगा, उसमें से ऑब्जर्व मास निकालना है, न्यूक्लियस का मास निकालना है,
तो अगर हमसे कोई कहे कि इस न्यूक्लियस जिस एटम के अंदर है उस एटम का मास दिया गया हो, जेड एक्स ए का मास दिया गया हो, तो उसमें से अगर कोई कहे कि एटम का मास एम है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास निकाल दोगे तो न्यूक्लियस का ऑब्जर्व भी मास तो कहलाएगा भाई। एक एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। तो कोई कहे कि इस एटम का मास दिया गया उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास घटा दो, तो किसका मास आएगा? न्यूक्लियस का ही तो मास आ जाएगा। तब क्या कहेंगे? मास ऑफ जेड एक्स ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज मास डिफेक्ट। सकते आप सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी ये कैसे आया है। तो मास डिफेक्ट क्या होता है? कैलकुलेट मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस ऑब्जर्व मास ऑफ न्यूक्लियस। और हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी की, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? तो चूंकि ये न्यूक्लियस जिनमें सेपरेशन इन्फाइनाइट था, उनको पास आके एक न्यूक्लियस बनने में जितना मास रिलीज हुआ कम हुआ है, वही तो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है और वही तो इस सिस्टम को स्टेबलाइज किया है। तो जितना एनर्जी रिलीज हुई है उसी को बोलते हैं बाइंड एनर्जी। तो क्या करेंगे? मास डिफेक्ट डेल्टा एम इंटू से स्क्वेयर, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। तो आप इस दो पॉइंट को याद रखेंगे। तो बाइंड एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि न्यूक्लियंस को में जब सेपरेशन इन्फाइनाइट था, तो उनको पास आने में, न्यूक्लियस के फॉर्म होने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। या इसका अपोजिट भी ट्रू है कि एक न्यूक्लियस को ब्रेक करना है और सारे न्यूक्लियन को इन्फिनिटी तक पहुंचा देना है और उनमें गैप भी इन्फिनिटी कर देना है, तो इस प्रोसेस में जितना एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस फॉर्म होने में एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है, और न्यूक्लियस को ब्रेक कर रहे हो तो ब्रेक करने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो न्यूक्लियस ब्रेक होकर हर न्यूक्लियन इन्फिनिटी पहुंच जाए, या उन न्यूक्लियन को दोबारा ला के न्यूक्लियस बनाने में जो एनर्जी रिलीज हुई है हम उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। याद रखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम इंटू से स्क्वायर होगा और मास डिफेक्ट से होता है। अभी हम लोग कैलकुलेट्स करेंगे कि मास डिफेक्ट या बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेशंस करते हैं। इसके पहले हम बता दें स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के बनने में जितना एनर्जी रिलीज होगी उतना ही हम बोलते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि बाइंड एनर्जी बढ़ रही है। जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो न्यूक्लियस उतना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। लेकिन अगर दो न्यूक्लियस का कंपेयर करना हो, एक का मास नंबर अलग है एक का मास नंबर अलग है, तो उनमें कौन सा स्टेबल है ये बताता है कि बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन किस में ज़्यादा है। जैसे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस इज मोर देन स्टेबिलिटी इज मोर देन स्टेबिलिटी इज मोर। ये आपको ध्यान रखना है कि एक न्यूक्लियस की बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियंस अगर ज्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी बी डॉट ई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर देन स्टेबिलिटी इज मोर, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सपोज करिए यूरेनियम है, तो यूरेनियम का 235 मास नंबर है, तो 235 न्यूक्लियंस को अगर पास लाओगे तुम रखोगे एक दूसरे के पास रखोगे, तो अब 235 है ना, तो सब आएंगे तो थोड़ा थोड़ा भी एनर्जी रिलीज होगी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। जबकि हीलियम में 2He4 4 न्यूक्लियंस है, तो इन चार को लाने में अगर एक में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो तभी भी यूरेनियम गड़बड़ नहीं होगी। तो यूरेनियम तो रिलीज ज़्यादा एनर्जी हुई, बट इसका मतलब ये थोड़ी होगी यूरेनियम ज़्यादा स्टेबल हो गया। यूरेनियम तो अनस्टेबल होता है कंपेयर टू हीलियम न्यूक्लियस। तो इसीलिए हम लोग बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियंस की बात करते हैं कि पर न्यूक्लियन जिसमें ज़्यादा होंगे, क्योंकि अगर यूरेनियम 235 में एनर्जी रिलीज हुई एक्स और हीलियम में एनर्जी रिलीज हुई वाई, तो जब पर न्यूक्लियन जाएगा और 235 से डिवाइड करके जाएगा और इसमें 4 से, तो ये क्वांटिटी इससे ज़्यादा आ जाएगी जिससे प्रूफ हो जाएगा हीलियम का न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल देन यूरेनियम 235 न्यूक्लियस। तो इसलिए हम लोग क्या कह रहे थे कि बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन देखेंगे कि किस में ज़्यादा है। बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसमें ज़्यादा होगा वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको रटना है कि बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसमें ज़्यादा होगा वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, अगर आपसे कोई कहे एक न्यूक्लियस ए है और एक न्यूक्लियस बी है, एक न्यूक्लियस आपके पास सी है,
और यहाँ पे मैंने बाइनरी एनर्जी लिख रखी है, और इसका मास नंबर दिया गया फोर, यहाँ पे मैंने बाइनरी एनर्जी लिखी है, ऊपर बाइनरी एनर्जी है, ये का मास नंबर 40 है, ए का मास नंबर 40 है, और जो बाइनरी एनर्जी है सपोज करिए 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी का जो मास नंबर है मैंने 20 लिखा, और इसको लिख दिया मैंने सपोज करिए 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सी पे मैंने लिख दिया सपोज करिए 70, और इस पे लिख दिया मैंने 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कोई क्वेश्चन क्या है कि विच न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल, ए बी सी, तो मेरा टारगेट क्या है, ये देखना कि बाइनरी एनर्जी पर न्यूक्लियन किस में ज़्यादा है। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाइनरी एनर्जी पर न्यूक्लियन का कैलकुलेशंस। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये दिया गया होगा, ये दिया होगा, अब पूछेगा कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो मैंने कहा था ना स्टेबिलिटी किससे पता चलती है, बाइनरी एनर्जी पर न्यूक्लियन से। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे बाइनरी एनर्जी पर न्यूक्लियंस, तो ये 200 है और यहाँ पे 40 मास नंबर है, तो 40 ही तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन की संख्या है, तो 200 अपॉन 40, तो 200 अपॉन 40, तो इसके बोलो क्या आ गया 5, ये क्या है 150 एंड डिवाइड बाई 20, तो ये कितना आ गया 7.5, और ये 210 डिवाइड बाई 70, दिस इज 3। तो विच वन इज द मोर स्टेबल, दिस वन इज मोर स्टेबल एंड दिस वन इज लेस स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा बी होगा, फिर ए होगा, और उसके बाद स्टेबल सी होगा। तो दिस इज आवर आंसर, ओके। तो यहाँ तो हमने स्टेबिलिटी कंपेरिजन किया इस क्वेश्चन के हिसाब से, और अभी मैंने आपको पढ़ाया था मास डिफेक्ट, तो आपको बता दूँ मास डिफेक्ट पे बेस करके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि बाइनरी एनर्जी कैलकुलेशन कैसे करें। अच्छा, एक चीज़ आपको अलग से रटना होगा इसमें, जो मैं आपको बता दूँ, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियस, ये आपको रटना है। कोई पूछे कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस हम लोग मानते हैं, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, रटे रहेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ X20, यहाँ पे लिख लीजिए सपोज करिए दिस इज 10 X20, फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 10 X20 न्यूक्लियस एज्यूमिंग मास ऑफ 10 X20 एटम, इस एटम का मास दिया गया सपोज करिए 19.004, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.005, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.004। इस डेटा की हेल्प से पता करना है कि एक्स की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। तो सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा मास डिफेक्ट डेल्टा एम, तब तो इनटू सी स्क्वायर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें बता दूं कि अगर डेल्टा एम एएमयू में है, अगर डेल्टा एम एएमयू में है एएमयू, तो इसको 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगी। डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर, अगर डेल्टा एम एएमयू में है तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर होगा। मतलब अगर मास डिफेक्ट एएमयू में आ गया, कोई पूछे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू कितनी है, 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें ये सारे डेटा ईएमयू में दिया गया है, और इन जनरल हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में ईएमयू का यूज करेंगे। तो चलिए 10 X20 न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी, तो सबसे पहले मास डिफेक्ट डेल्टा एम निकालेंगे, ये किससे निकलेगा, इसमें कितने प्रोटॉन है, जेड, तो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस कितने न्यूट्रॉन होंगे, 20 माइनस 10, 10 न्यूट्रॉन होंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस एक्स के न्यूक्लियस का मास। तो एक्स का जो न्यूक्लियस का मास होगा वो किससे निकलेगा, एक्स एटम का मास। अच्छा, ऐसे दिया गया है तो ये एटम का मास है, ये 1H1 मतलब एटम का मास है, 0N1 ये न्यूट्रॉन का मास है, और एटम के मास में इलेक्ट्रॉन का मास अंदर ही होता है, तब तो एटम का मास है।
तो आप क्या लिखेंगे, 10 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 10 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस इस एटम के न्यूक्लियस का मास। तो ये एटम का मास है, तो न्यूक्लियस का मास किससे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का मास घटाओगे एटम में से तब तो न्यूक्लियस का मास मिलेगा। इसका मतलब क्या लिखोगे, 19.004 माइनस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, तब जाके आपका मास डिफेक्ट आएगा। अब मैंने क्या किया, इस डेटा को इसके साथ लिख लिया, तो ये बनेगा कितना, 10 कॉमन आएगा, यहाँ पे बनेगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये माइनस माइनस प्लस, तो बनेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 19.004। अच्छा, इसको मैं और आगे बढ़ाया, लिख सकता हूँ 10 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्लस 10 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस 19.004। अच्छा, प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास, अभी मैंने कहा था प्रोटॉन जो होता है वो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस का मास होता है, तो प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बन गया एंड प्लस एक इलेक्ट्रॉन का मास, तो ये तो पूरा पूरा हाइड्रोजन एटम का मास बन गया भाई, एक प्रोटॉन का मास प्लस एक इलेक्ट्रॉन का मास, इट इज़ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का मास क्वेश्चन में दिया गया कितना, 1.005, तो 1.005 एंड प्लस 10 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का मास क्वेश्चन में दिया गया 1.004 माइनस 19.004 दिस इंटू, लेकिन ये वैल्यू किस में आएगी, EMU में आएगी वैल्यू, दिस वन इज अंडर EMU। अब ये आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो ये कितना बनेगा, कैलकुलेट क्या, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद अगर हमें बाइंडेड से निकालनी है तो ये जो डेल्टा एम आ रहा है ना EMU में, इसी को 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में अक्सर ऐसा पूछता है कि बताइए कि एक न्यूक्लियस की बाइंड एनर्जी कितनी होगी, तो इसको हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट्स करेंगे। चलिए